हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूँ आपके साथ दिशा। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि नरेंद्र मोदी का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना बहुत शुभ है। उन्होंने कहा कि देश को आगे ले जाने का बदस्तूर कार्य लगातार जारी रहेगा और नरेंद्र मोदी ने अपने पिछले 10 साल के कार्यकाल में जो सुधार किए हैं वह भी लगातार जारी रहेंगे। अनिल विज नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गठबंधन की सरकार बनी है लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काम करने का तरीका पूरा देश जानता है। उनके मन में क्या क्या योजनाएं हैं यह भी देश जानता है। इंडी गठबंधन लगातार एनडीए पर हमलावर है और कह रहा है कि 400 पार का नारा दिया था लेकिन एनडीए 300 भी पार नहीं कर सका। के सवाल के जवाब में अनिल विज ने कहा कि इतिहास में पहले भी कई बार हुआ है कि झूठ जीत जाता है और सच हार जाता है लेकिन समय की कसौटी पर हमेशा सच ही जीता है। उन्होंने कहा कि इन्होंने झूठ बोलकर लोगों को धोखा देकर वोट ली है। यह कह रहे हैं कि हम लोगों को एक एक लाख रुपए देंगे। महिलाएं अपने कार्ड लेकर लाइनों में लगी हुई हैं और कांग्रेस के नेताओं को ढूंढ रही है कि एक लाख रुपए कहां गए। नई दिल्ली से हमारे एडिटर इन चीफ राजेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट। एनडीए के नेता पीएम मोदी चुने गए हैं, अब 9 तारीख को शपथ लेंगे, एक बार फिर से मोदी सरकार तीसरी बार देश में देखने को मिलेगी सर? देखिए, ये तीसरी बार मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना ये बहुत शुभ बात है जी। और ये ठीक है कि गठबंधन की सरकार बनी है लेकिन मोदी जी का काम करने का तरीका सारा देश जानता है। उनके मन में क्या क्या योजनाएं हैं सारा देश जानता है। पर देश को आगे ले जाने का काम बादस्तूर जारी रहेगा। जो सुधार उन्होंने अपने पिछले 10 साल में किए हैं वो जारी रहेंगे और देश नई बुलंदियों को छुएगा। सर, विपक्ष की बात करें, इंडिया गठबंधन काफी खुश नजर आ रहा है लगातार और बीजेपी पर हमला बोल रहा है। 400 पार का नारा दिया था, 300 भी नहीं पहुंच पाए इंडिया। नहीं, कई बार इतिहास में पहले भी हुआ है जी कि झूठ जीत जाता है और सच हार जाता है। ये पहली बार नहीं हुआ लेकिन समय की कसौटी पर हमेशा सच ही पास हुआ है, झूठ कभी पास नहीं हुआ। आप देखिए ना कैसे कैसे झूठ बोलकर इन्होंने फ्रॉड करके धोखा करके इन्होंने लोगों की वोटें ली है। दैट इज क्राइम। आपने कार्ड बांट दिए कि हम एक एक लाख रुपया देंगे। महिलाएं बेचारी लाइनों में लगती फिर रही हैं, कांग्रेस के नेताओं को ढूंढ रही हैं कि वो कहां गए एक लाख रुपए दो। और कई प्रकार के संविधान बताओ, कहीं पर किसी लेवल पे संविधान को बदलने की बात नहीं हुई और राहुल गांधी जी संविधान लेके घूम रहे हैं। अरे जब तेरी दादी ने कौन से संविधान की कदर करी? क्या नहीं किया तुम लोगों ने? क्या लोग कांग्रेस की डीएनए को जानते नहीं है? कांग्रेस ने कोई ऐसा वो कुकर्म नहीं है जो कांग्रेस ने ना किया हो। संविधान को पैरों तले रोंद कर तुमने इमरजेंसी लगाई, तुमने 356 लगा लगा कर तुमने कई चुनी हुई सरकारों को गिराया, अखबारों पर मीडिया पर पाबंदी लगाई। हमने तो वो समय देखा ना, हमें पता है कि किस प्रकार से अखबार छपती थी, बीच में से खबरें उठी हुई होती थी। एक थानेदार को पावर थी कि वो जाके जोन सी खबर उठाना चाहे बीच में से उठा रही। लोग द्वारा इनको किसी भी हालत में वो नहीं देने चाहते। झूठ है, देख लो थोड़े दिन की बात है कि इनका क्या दिवाला निकलेगा इनका। सर, हरियाणा की बात करें, हरियाणा के काफी सीनियर लीडर हैं सर आप। हरियाणा में जो बीजेपी की परफॉर्मेंस है, अब कांग्रेस और बीजेपी 50-50 पर आ गई है। कांग्रेस के जो सीनियर लीडर हैं वो तो अब 70 पार का भी नारा देने लगे हैं सर हरियाणा में विधानसभा चुनाव में। देखिए, कांग्रेस जाएगी यमुना पार, 70 पार की तो बात ये छोड़ दे, और तीसरी बार डंके की चोट पर भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में सरकार
बनाएगी। कुछ जो कमियां रही हैं हम उन पर विचार कर रहे हैं। हमने हमेशा अपने जो हमारा पिछला समय रहा है हमने हमेशा उससे सीखा है और इसका भी हम कर रहे हैं कि कमियां कहां कहां रही हैं, उन कमियों को हम दूर करेंगे और तीसरी बार डंके की चोट पर हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। सर एक बड़ा दावा आप कर रहे हैं कि तीसरी बार विधानसभा चुनाव में अब बीजेपी की सरकार बनेगी, पर सर लोकसभा चुनाव में जिस तरीके का वोट शेयर की बात करें, परफॉर्मेंस की बात करें, जिस तरीके से रही है सर, तो कहां कमियां रही, कहां? देखिए मैं बता रहा हूं कि देखिए ये हमारा सिस्टम है, पार्टी है हमारी जी। हमारी पार्टी हमेशा हर चुनाव के बाद समीक्षा करती है, अच्छे चुनाव नतीजे आए हो या खराब आए हो, किसी भी प्रकार के आए हो, तो हम पूरी तरह से उसकी समीक्षा कर रहे हैं। एक एक बूथ की हम जानकारी एकत्रित कर रहे हैं कि कहां पर क्या कमी रही, हम उन कमियों को दूर करेंगे। हमारे पास संगठन है, हम दूर कर सकते हैं, हम उसको दूर करेंगे और अगली बार हम, मैं फिर कह रहा हूं कि डंके की चोट पर हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। दिल्ली हरियाणा पंजाब के संदर्भ में बात करें और उसके साथ साथ आम आदमी पार्टी ने भी ये कहा है कि वो इंडिया गठबंधन से अलग होकर दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ेगी। नहीं देखिए ऐसा है कि आम आदमी पार्टी तो अब खत्म होने के कगार पर है। दिल्ली में इनकी सरकार 10 साल होने के बावजूद 7 की 7 सीटें हार गई, हरियाणा में गठबंधन में खड़ी करी थी वो हार गई, और पंजाब में इन्होंने हुंकारे मार के कहा था कि हम अकेले लड़ेंगे, हालांकि बाकी जगह इनका गठबंधन था, बाकी जगह ये दोनों गलबैया पाते थे, स्टेज पर इकट्ठे बैठते थे, और पंजाब में कांग्रेस ने कहा कि आप गलत पार्टी है, आपने कहा कांग्रेस गलत पार्टी है, और आप देखिए वहां आप पार्टी को उखाड़ के फेंक दिया लोगों ने, तो आप पार्टी तो अब खत्म हो गई। ये तो समेटने का इनका टाइम है और इसको कैसे समेटना है उन्होंने, ये समेट लिया। हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।